आखी दुनिया इनकी पिक्चर खींचने में लगी पड़ी है और इनको फिर भी चैन नहीं मिल रहा। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। हमारे साथ सितारे मस्ती पे मावरा होकेन एंड द वेरी हस्ट पुष्ट हर्षवर्धन राणे। ऐसा हुआ कभी मतलब कि देखते रह गए डायलॉग नहीं बोल पाए, मतलब इतनी खूबसूरत महिला सामने? बहुत बार होता है, बहुत बार। तो और कई बार तो ऐसा भी होता है कि देख रहा हूँ इनके बोलने का कुछ तरीका इतना सॉफ्ट है और इतना पेनिट्रेट करने वाला है कि रोने ही लग रहा हूँ। कैमरा मेरे पीछे, मैं रोना शुरू कर दिया हूँ और ये मुझे देख रही है कि ये रो रहा है। कमाल की एक्टिंग आप लोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो रिस्पांस मिला है ट्रेलर को, दैट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। इंदर, ये ऐसे रोज रोज बियर और भांग पीने से लोग मर जाते हैं। वैसे भी तो एक दिन मरना ही है। आपसे अगर मैं पूछूं, वीजे रह चुकी हैं आप, तो आप भी करती थी ऐसे कैमरे पे? जी हाँ, हमारे साथ आज हर्ष और मावरा। You know, I requested my channel, I told them, कुछ मैंने उनको लिंक्स भेजे, मैंने कहा प्लीज ये वीडियोस हटा दो प्लीज। I think मावरा used to be really this chirpy, excited girl. आप हमेशा से इतनी सटल हो, बिकॉज आपको देखा एकदम कर्टियस मावरा आएंगी, आप बैठिए बिल्कुल ऐसे तहजीब और तमद्दुन, क्या बोलते हैं तमद्दुन, मैं चिपका रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा लगेगा, थोड़ा सीरियस इंटरव्यू हो रहा है। जी हर हमेशा से ऐसी हो या अभी हो गए? लेकिन मैं आपको कुछ भी जवाब दूंगा आप शायद मानेंगे शायद नहीं मानेंगे, तो मावरा वुड बी अ बेटर पर्सन बिकॉज़ शी इज बीन सीइंग मी, बीन अराउंड एंड वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर। राइट मावरा, हर्ष इससे बहुत ज़्यादा क्वाइट था व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द फिल्म। आई डोंट नो बाकी फिल्म पे क्या करते रहे और वहाँ पे इंटरव्यूज में कुछ बोलते भी थे कि नहीं, लेकिन आई रिमेंबर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द शूट, आई यूज टू बी द वन टॉकिंग कंटिन्यूसली एंड हर्ष यूज टू बी लाइक हाँ अच्छा ओके। सो दिस यूज टू बी, पूरा दिन ये करते थे। कौन बात कर सकता है इनके सामने? मैं भी देखो चुप बैठा हूँ इतनी देर से। एग्जैक्टली, कि क्यों ऐसे, क्यों एकदम ऐसे और इंटेंस हो गया फिल्म के अंदर एकदम ऐसे? नशा तेरा दिल को लगा देना, नहीं मुझको दगा। मुझे लगता है जो पेरेंट्स की जेनेटिक्स होते हैं, मेरे डैड मुझे जो याद है उनकी जो इमेज वो ऐसी है कि हमारे घर में कोई मेरा दोस्त एंटर नहीं करता था। क्योंकि वो डैड कुछ कभी उन्होंने किसी को डांटा भी नहीं होगा, बट जिस तरह से वो खड़े होते थे तो उनकी ही वॉज अ वेरी सॉम्बर काइंड ऑफ अ गाय। तो आई थिंक वो जीन्स पास ऑन हो गई है, कुछ तो रह गया, लेकिन मैं तो वैसे तो बहुत आई थिंक आई टॉक अ लॉट। मुझे बोले जब पहली बार ऐसा सेट पे मुलाकात हुई थी तो उस समय किस तरह का माहौल था? नहीं, जब मावरा से मैं पहली बार मिला तो मुझे याद है शी वॉज ट्राइंग टू बी वेरी courteous and very nice to me, but I could see, झूठ मत बोल, I could see कि मावरा you know was a little ऐसी, मतलब एक guard जो होता है ना, एक जो आप एकदम से हटाते नहीं है, friendly होना और friend बनने के बीच में एक जो line होती है वो cross करने में थोड़ा। जी आप मुझे बताएं, डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री नहीं हुई थी, पहले आप तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री पे छाए और उसके बाद इस ओर रुक किया, हाउ वाज इट और क्यों क्यों ऐसा क्यों था? फॉर मी इट वाज ऑलवेज द नीड टू बी बेटर देन द लास्ट डे। सो पहले मैंने टीवी शो मुझे मिला, उससे पहले तो मैंने दुनिया के जितने ऑड जॉब्स होते हैं मैंने सब किए, बिकॉज़ आई रैन अवे फ्रॉम माय हाउस व्हेन आई वाज 16। डेडिंग डेडिंग 16 साल की उम्र में ये लड़का भाग गया था कम सिन जवानी में, घर से फरार। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू दिल्ली। तो आप जैसे मावरा को कह रहे थे, सो यू ऑलवेज मीट दीज पीपल हु विल, हु देयर आर बंच ऑफ पीपल हु विल से कि गुड, देयर आर द अदर वंस हु विल से क्या कर रहे हैं, कैसे सोच सकते हैं, हाउ व्हाट आर यू थिंकिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मुझे हर पड़ाव पे दोनों लोग मिले, यू जस्ट चूज किसकी बात सुननी है, किसे एक्नॉलेज नहीं करना है, ऐसा चॉइस आप करते रहिए। मुझे बताओ एक ऐसी चीज जो कि हर्ष करते हैं और किसी और को नहीं पता। Knows how to put nail paint. Deading, deading. दो दो डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, राधिका एंड विनेश, दोनों कमाल के लोग हैं। कभी कंफ्यूजन होता था कि यार उसने बोला ये मेरे को सीन ऐसा चाहिए, ये मेरे को ऐसा चाहिए? जैसे हमारे पास भी दिल और दिमाग का यूज करके हम डिसाइड करते हैं, तो ये दोनों भी दिल और दिमाग की तरह सेट पे सीन्स लिखते हैं और सीन्स बनाते हैं। तो कई बार मैम यू नो इमोशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, सर उसको प्रैक्टिकलिटी से उसको कवर करते हैं। ये तो हुई आपके डायरेक्टर डुओ की बात, अभी मेरे को ये बोले कि जब आप दोनों साथ होते हैं, मतलब ये ना फिल्म एक बड़ी ऐसा इंटेंस लव स्टोरी है। मेरी बेचैनियों को
चैन मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए। मुझे जल्दी से ये बताएं आप कि आइटम सॉन्ग्स नहीं, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी का सहारा लेना चाहिए था ना इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं लगा? आई थिंक बहुत क्लीशे आंसर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू नो राधिका मैम एंड विनय सर स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम दैट टेडी बेयर सीक्वेंस दैट यू सी, दोज वर द फर्स्ट, दैट वाज द फर्स्ट सीन दैट वाज पेंड डाउन। कपड़े उतारना बंद करो प्लीज। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बालूगर कॉफी? कॉफी नहीं तो हाँ बट टकीला। तो मुझे लगता है जब इतनी प्योरिटी से कुछ लिखा है, कुछ बनाया है, और अब तो यू नो वी आर द वर्ज ऑफ रिलीज, उसके अंदर कुछ कंट्रोवर्सी डाल के उसको इम्प्योर करने का क्या मतलब? क्या कह गई आप? मुझे तो लगता है कंट्रोवर्सी और कुछ होगी भी तो दबाएंगे। हाँ, खा जाएंगे हम। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी, एक गाना आया है हिमेश रेशमिया साहब ने गाया, जरा बताइए हमारे कैमरा को कौन सा गाना है? बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा। कुछ करने की कोशिश करेंगे, मुझे बताओ एक ऐसी चीज जो कि हर्ष करते हैं और किसी और को नहीं पता हो जाए। हर्ष knows how to put nail paint. Dating. Nail paint. मैं निकलता हूँ। मैं हम लोग एक हमारा सीक्वेंस है जिसमें मैंने बहुत सारा तैयार होना था, साड़ी मेहंदी। किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। इनकी एक ऐसी चीज जो कि हम सबको बताना चाहो कि ये बहुत, सर ये आपसे और मुझसे ज्यादा खा सकती है। खा सकती हैं जी, शी इज अ फूडी। लग तो नहीं रहा मोहतरमा। एग्जैक्टली, और देख के बिल्कुल नहीं लगता है। और फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल एज अ गर्ल इट्स सुपर्ब, बट मेंटल स्ट्रेंथ इज लाइक अमेजिंग। कैसे इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? अभी दूसरी चीज बाकी है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हमसे खा ज्यादा सकती है, लेकिन देखते खा सकती है या नहीं, हो जाए देखते हैं कितने होते हैं। हाँ, काउंट हर्ष, वन। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। मुझे मामला ये बताएं, रणबीर कपूर बड़े वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं है? क्या है, क्या ये क्या चल क्या रहा है, बताइए जरा हमें। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, एक गाना है सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक, जिसमें आप इनको लेके जा रहे हैं किसी एक कमरे में, और वो ऐसा लग रहा है नौटंकी वाले लोगों का या थिएटर का कुछ ऐसा वेयर हाउस है, क्या है क्या वो? एक्चुअली प्ले स्कूल जो पूरी तरह शैटर्ड है, सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी क्यूट थॉट बाय राधिका मैम एंड विनय सर। मैं आपको बोल रही थी ना कि इस तरह का प्यार आपको दिखता नहीं है, कि लड़का ट्रेन के ऊपर आपको एक रिमोट भेज रहा है, सच अ स्वीट थॉट। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। मुझे ये बताएं कि अपने वैलेंटाइन को कौन सी चीजें जो नहीं बोलनी चाहिए? आई थिंक कोई बड़े प्रॉमिसेस कभी नहीं करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे मैंने हर्ष का आंसर कॉपी कर लिया, बट आई थिंक जो भी आप बोल रहे हो उस पर कुछ ऐसा नहीं बोले जो आप पूरे साल के लिए कर नहीं पाए, तो वैलेंटाइन से अगले वैलेंटाइन का जो सफर है उसको मुश्किल मत बनाएं। मुझे मामला ये बताएं, सेलिब्रिटीज आर आल्सो लविंग इट, रणबीर कपूर बड़े वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं क्या है क्या ये क्या चल क्या रहा है, बताइए जरा हमें। एक्चुअली ही वाज शूटिंग इन शिमला एट दैट टाइम, जावेद अंकल टोल्ड हिम दैट आई एम शूटिंग इन बॉम्बे, सो ही जस्ट सेंट मी हिज विशेस एंड लक फॉर द फिल्म एंड आई थिंक दैट हैज क्वाइट वर्क। मामला डायलॉग है भाई साहब का ही बड़ा अच्छा, मैं अपना भाई साहब बना रहा हूँ इनको कि प्यार के लिए आप बोल दो सर, वो प्यार के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। उसके आंसू रोकने के लिए ना मैं मार सकता हूँ और मर भी सकता हूँ और नेल पेंट भी लगा सकता हूँ। अगर मामला आपको मरना हो या मारना हो, किसके लिए मरोगी और किसके लिए मारोगी? रणबीर कपूर और हर्ष,
उनको एक दोनों को चाकू पकड़ा देंगे सीएम रामा जी आपस में लड़ मारो ये लो चाकू। अच्छा ठीक है, रणवीर सिंह या अर्जुन कपूर किसके लिए मरोगी किसके लिए मारोगी? आई थिंक अर्जुन के लिए तो मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ही कैन किल फॉर हिमसेल्फ, तो उसके लिए मरूंगी। और रणवीर के लिए अंकल समझ क्या बात है। वीना मलिक और राखी सावंत? आई थिंक आई विल किल फॉर वीना एंड आई विल डाई फॉर राखी। मावरा हर्ष, बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है ट्रेलर को एंड यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी हमने बातें कर ली, सारे सवालों के जवाब आपने बिल्कुल बाइज्जत दिए, अच्छे से दिए, थैंक यू सो मच। 5 फरवरी को देखना मत भूलिएगा, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, दिस इज गोना रिमेन विद यू। और जाते जाते यहाँ पे मस्ती सेल्फी हम लोग खींचते हैं तो उसका वक्त हो गया है, तो हो जाए।